ये सच्ची घटना है सन 2003 की, जब एरन हाइकिंग के लिए अपने घर से अकेला निकल जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद ही एरन को पता चल जाता है कि यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वो जैसे ही दो संकरी पहाड़ियों के बीच में फंसे पत्थर का सहारा लेके नीचे उतरने की कोशिश करता है, वो पत्थर वहां से फिसल जाता है और एरन के हाथ पे आके गिरता है, जिसकी वजह से एरन का हाथ उसके नीचे ही फंस जाता है। एरन अपने हाथ को निकालने में पूरी जी जान लगा देता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने बैग को खोलता है, जिसमें उसे चाकू मिलता है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि वो छोटे से चाकू से उस बड़ी सी चट्टान को काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। एरन को यहाँ पे फंसे हुए 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं और उसके खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो जाता है। अब एरन को वहाँ से आजाद होने का सिर्फ एक रास्ता दिखता है, जिसके लिए उसे अपना हाथ काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो अपने हाथ की हड्डियों को तोड़ देता है और उसी चाकू से अपने हाथ को काट देता है और वहाँ से आजाद भी हो जाता है।